शहर के सूरजपुल गेट बाहर स्थित जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तृतीय दिवस बुधवार को महाप्रभु जी जगन्नाथ जी संघ बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी को रंग बिरंगे फूलों एवं कलियों से सजे सजे झूलों में विराजित किया गया। महाप्रभु जी के अद्भुत रूप लावण्य पर भक्तजन बलिहारी होकर मग्न भाव से झूम रहे थे। रथ यात्रा प्रमुख विजय तंवर ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में माता रोहिणी कृष्ण की पटरानियों एवं गोपियों को कृष्ण द्वारा ब्रज में की गई लीलाओं रास एवं गीत गोविंद वृतांत सुना रही थी। तभी भगवान कृष्ण बलराम एवं सुभद्रा भी इसी लीला को सुन रहे थे। राधा विरह में तीनों के तन पिघलने लगे, आंखें जर जर बहने लगी, पूर्ण आंखें खुल गई। तभी नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर प्रभु के इस अवस्था में दर्शन करके विनती की कि प्रभु आप अपने भक्तों को भी इसी रूप में सदा सदैव दर्शन दो। नारद मुनि के आग्रह पर भगवान ने कलयुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ स्वरूप देने का वरदान दिया। कलयुग में पूरी स्थित जगन्नाथ धाम में प्रभु अपनी इसी आदि स्वरूप में भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के अध्यक्ष मानक ढाणी के अनुसार रथ यात्रा महोत्सव के तृतीय दिवस अजमेर से श्री ब्रजेश्वरी मंडल की सखियों ने ठाकुर जी के दरबार में झूले के पद एवं प्रिय प्रियतम के अनुराग के भजनों से संपूर्ण पंडाल को भक्ति रस में कर दिया। मंडल की उषा अग्रवाल, मीरा बंसल, सरोज बंसल एवं सुनीता गोयल ने लाडले गणेश प्यारे प्यारे जय दुर्गा सरस्वती माता माई जगत माता हरि सुंदर नंद मुकुट हरि नारायण ओम वृंदावन की कुंज गलियों में खुशबू बिहारी जी की आती है सावली सूरतिया हाथों में मुरलिया साथी हमारा कौन बनेगा तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा एवं टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से फूलों से सज रहे हैं बाके बिहारी जैसे मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई।